भूल भुलैया 3 देखने के बाद मुझे यही फील हुआ, कार्तिक तू तो गया बेटे, तू तो गया बेटे। पूरी फिल्म के अंदर मैं बस यही ढूंढ रहा था कि ये कहाँ है। थी नहीं अंदर, बस मुझे एक अनसेटिस्फाइड कॉमेडी मिल रही थी और अनसेटिस्फाइड थ्रिलर और हॉरर्स मिल रहे थे। ऐसे हॉरर सीन्स मुझे मिल रहे थे जो आसानी से प्रिडिक्टेबल थे। भूल भुलैया 2 को हिट होने के बाद भूल भुलैया 3 को हिट करने की नाकाम कोशिश। सोचा नहीं था कि इस तरह की भी मूवी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि भूल भुलैया 2 बस तुक्के से चढ़ गई तो इसका क्या मतलब भूल भुलैया 3 भी चढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस अब बहुत ज्यादा अकलमंद हो चुकी है और पॉपकॉर्न माइंड्स को भी बड़ा देखना शुरू कर दिया। इसी से याद आया, पॉपकॉर्न माइंड्स को सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं भूल भुलैया 3 की तरफ। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो सच में टट्टी फिल्म है। मुझे ये ऐसा कहना पड़ रहा है, हालांकि मैं बहुत अच्छे अल्फाज कहता हूं, लेकिन सच में मूवी टट्टी है। सिंघम नेवर अगेन को देखने के बाद मैंने जब भूल भुलैया 3 देखी तो मेरे एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे थे कि सिंघम अगेन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, शायद भूल भुलैया 3 अच्छी मिल जाए। लेकिन मैंने क्या सोचा था कि जैसे रोहित शेट्टी जेब कतरा है वैसे ही अनीस बाजमी भी जेब कतरा निकलेगा। सीरियसली पाखंडी में तो पहुंचता है। दिवाली के ऊपर इन लोगों ने ये सोचा कि चलें क्यों ना लोगों की जेब कतर लें, लेकिन इनकी ये नाकाम कोशिश ही रही। 150 करोड़ में ये भूल भुलैया 3 जैसी टट्टी फिल्म हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसकी कहानी की तो कहानी में कुछ भी नहीं रखा, बस एक प्लॉट ट्विस्ट डाला हुआ है, वो भी एंड के ऊपर आता है। विद्या बालन जो मांजुली का 1 है, और इसके बाद प्लॉट ट्विस्ट में हमें क्या दिखाया जा रहा है, माधुरी दीक्षित एज अ मांजुली का 2। दैट्स इट, यही था मूवी में और मैं कुछ बोलने को है ही नहीं। कार्तिक आर्यन ने मूवी में कुछ अच्छे अल्फाज बोले तृप्ति डिमरी को देख के, एक नंबर के ठरकी हो तुम नना लड़का हूँ। हालांकि अनीस बाजमी ने बहुत अच्छी मूवीज लिखी हैं अपने दौर के अंदर, जैसे कि नो एंट्री, वेलकम और भी इस तरह की बहुत ही बेहतरीन मूवीज उन्होंने लिखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि टट्टी जैसी फिल्म भी ये लिख सकते हैं। भूल भुलैया 3 को लिखने से पहले इन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा कि हम इसके बारे में कुछ सोच भी ले। फिर इसके बाद कॉमेडी के बारे में बात करें तो कॉमेडी इसकी बहुत ही अनरियलिस्टिक लगती है। ऐसे जैसे फोर्सली इसमें डायलॉग्स घुसाए गए हैं, मजा नहीं करवाते, इतना अच्छा नहीं लगता इस मूवी को देखते हुए। पंडित को डाला और बार बार बेचारे पंडित की ही मार। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला। कॉमेडी इसमें बहुत ही ज्यादा बेकार और बकवास की गई है। लगता नहीं था कि आखिर अनीस बाजमी का दिमाग कहां बाज मार रहा है। फिर उसके बाद गरीबों के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन को देखें तो उनकी भी कॉमेडी कुछ खास नहीं लगी। कॉमेडी में बहुत ज्यादा डायलॉग्स फोर्सली डाले गए हैं, जिसको देखने के बाद आपका दिल नहीं करेगा हंसने को, बस आपको फोर्सफुली हंसना पड़ेगा, जैसे मैं हंस रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, भूल भुलैया देखने के बाद मैं खुद को भूल गया। दैट्स इट। हॉरर सीन की बात करें तो हॉरर बेपनाह इसमें डाले गए हैं। हर हॉरर सीन देखने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे माधुरी दीक्षित है, इसके पीछे विद्या बालन है। अगर हम बात करें हॉरर सीन के बारे में तो हॉरर सीन भी बहुत ही बकवास है। हॉरर सीन जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये होने वाला है, माधुरी दीक्षित अभी चिल्लाएगी, विद्या बालन अभी निकल के आएगी। 150 करोड़ में हमें टट्टी जैसी मूवी देखने को मिल रही है बॉलीवुड के अंदर। हालांकि यहाँ पे एक और गुरु साहब है जो 1500 करोड़ का बजट मांग रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, सिंघम जैसी नेवर अगेन मूवी। बाकी रोहित भैया आज आपकी बारी नहीं है, आपको 70 तोपों की सलामी दे चुके हैं मेरे बड़े भाई बड़े मियां। ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप जाके वीडियो देख सकते। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता, एक प्लॉट ट्विस्ट होता है जिसमें माधुरी दीक्षित आती है, उसमें एक अच्छा सॉन्ग होता है, जस्ट स्क्रीन प्ले बेकार सा था और साथ में अच्छी कोरियोग्राफी होने की वजह से वहां पे मूवी अच्छी हिट करती है, नो डाउट। कुल मिलाकर अगर सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 को कंपेयर करें तो दोनों में से कौन सी मूवी बेहतरीन है, तो दोनों बकवास है। हाँ, भूल भुलैया 3 जो है 1.5 मार्क्स लेती है आउट ऑफ 5 में, काफी अच्छी है एज कंपैरिजन टू सिंघम अगेन, बट सिंघम अगेन का तो बेड़ा ही गर्क है। अगर हम बात करें इसके बॉक्स ऑफिस की तो अभी तक 3 दिनों के अंदर भूल भुलैया ने 72 करोड़ कमाए हैं, काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस जा रहा है। लेकिन हमारा रिव्यू ओनली स्टोरी के ऊपर था और ओवरऑल मूवी के ऊपर था, तो इसीलिए उस नजरिए से हमने इसके बारे में बयान किया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, पॉपकॉर्न माइंड्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।